स्टैंडर्ड 7 भाषा कलश लेसन 2 चैप्टर घर की वापसी। आइए बच्चों, आज हम इस पाठ में दिए गए अगले प्रश्नों की चर्चा करेंगे। नंबर 3, किसने किससे कहा का माखन यदि तू ना उठेगा तो इसका बुरा परिणाम होगा, पाठक ने मक्खन से कहा। खा, पाठक चक्रवर्ती कहाँ रहता है, एक अधेड़ व्यक्ति पाठक से। गा, क्यों दादा तुम यहाँ कैसे आए, पाठक की माँ ने अपने भाई से। घा, ठहरो जब तक छुट्टियाँ ना हो जाएं, मामा ने पाठक से। अंगा, अच्छा होता जो तुम इसको घर भिजवा देते, मामी ने विश्वंभर जी से। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों, इस गद्यांश के आधार पर यहाँ दिए गए प्रश्नों को आप पढ़कर अपने शब्दों में लिख सकते हैं। का नंबर, मुंबई जाकर पाठक को कैसा लगा। मुंबई जाकर वहाँ पाठक का मन नहीं लगा, वह घर वापस आना चाहता था। खा नंबर, पाठक को क्या क्या याद आता। उत्तर, पाठक को अपनी माँ, अपना घर, अपना शहर और खेलने के स्थान याद आते थे। गा, पढ़ाई में उसकी क्या स्थिति हो गई थी। पढ़ाई में उसका मन ना लगने के कारण पाठक बहुत कमजोर विद्यार्थी बन गया था। शब्द संपदा। नंबर 1, निम्नलिखित विलोम शब्दों का मिलान कीजिए। अपमान, सम्मान, प्रातः, सायं, समीप, दूर, प्रसन्न, अप्रसन्न, स्वर्ग, नरक, मृत्यु, जीवन। नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। का, पत्नी, सहचरी, भार्या, अर्धांगिनी आदि। खा, दिन, दिवस, वार, वासर। का, नौका, नाव, नैया, तरणी। घा, घर, आलय, सदन, गृह। अंगा, नदी, सरिता, तटिनी, तरंगिनी। च, हर्ष, खुशी, प्रसन्न, उल्लास। नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के अनेकार्थी शब्द लिखिए। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। का, तारा, नक्षत्र, बाली, आग की पुतली आदि। ख, पतंग, सूर्य, पक्षी, फतिंगा आदि। ग, पानी, जल, चमक, इज्जत आदि। पाठाधारित व्याकरण। नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। क, पत्थर, प्रस्तर। ख, हाथ, हस्त। ग, घर, गृह। घ, कीचड़, कदर्म। अंगा, सिर, शीर्ष। च, पांव, पद। नंबर 2, विदेशी भाषाओं के जो शब्द हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें आगत शब्द कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से आगत शब्द छांटकर वाक्य बनाइए। यहाँ आफत, वजह, खेत, कायम आगत शब्दों को हम लोग लेंगे। सबसे पहले आफत से वाक्य बनाते हैं। पाठक का मुंबई आना उसकी मामी के लिए आफत बन गया। वजह, आपके यहाँ आने की कोई तो वजह होगी। खेद, रमन की बीमारी का समाचार सुनकर मुझे बहुत खेद हुआ। कायम, अपनी बात पर कायम रहना सीखो। बच्चों, पिछले क्लास में आपने क्रिया के बारे में पढ़े थे। यहाँ क्रिया के दो भेद, साकर्मक और आकर्मक से संबंधित प्रश्न दिए जा रहे हैं। निम्नलिखित वाक्यों में किसी क्रिया पदों को रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। का, आओ हम सब लट्ठे को लुढ़काएं। क्रिया पद है लुढ़काएं और क्रिया के भेद हैं साकर्मक क्रिया। खा, लड़कों ने जोर लगाकर लट्ठे को धकेला। क्रिया पद है धकेला, क्रिया के भेद साकर्मक क्रिया।
गा लट्ठा हिला और मक्खन फिसला, क्रियापद है हिला और फिसला। क्रिया के भेद हैं आकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पूछा कहा बताया। का नंबर, नौकर ने कहा तुम्हें मालकिन बुला रही है। खा, माँ ने भाई को बताया कि पाठक बहुत चंचल है। गा, विश्वंबर ने लड़कों की पढ़ाई के बारे में पूछा। नंबर 5, बच्चों पिछली कक्षा में आपने विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा था। विराम चिन्हों से संबंधित प्रश्न यहाँ आपके लिए दिए गए हैं, जिन्हें विराम चिन्ह द्वारा पूरा करना है। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। क, उसने अपने मामा से पूछा, अल्प विराम। मामा जी मैं घर कब जाऊंगा, प्रश्न चिन्ह। मामा से लेकर जाऊंगा तक आपको उद्धरण चिन्ह यानी इन्वर्टेड कोमा में बंद करना है। खा, पाठक ने धीरे से कहा, कोमा यानी अल्पविराम। मां अल्पविराम। क्या छुट्टियां आ गई हैं, प्रश्न चिन्ह। मां से लेकर गई हैं तक आपको उद्धरण चिन्ह लगाने हैं यानी इन्वर्टेड कोमा में बंद करना है। गा, उसने अपनी मछली पकड़ने की हत्थी पत्थर के टुकड़े और पतंग मक्खन को दे दी, क्योंकि उसे मक्खन से सहानुभूति सी हो गई थी। यहाँ उसने अपनी मछली पकड़ने की हत्थी के बाद अल्प विराम, यहाँ अल्प विराम लगाना है, और पत्थर के टुकड़े और पतंग मक्खन को दे दी, क्योंकि उसे मक्खन से सहानुभूति सी हो गई थी। सहानुभूति और सी के बीच में एक योजक चिन्ह यानी हाइफन लगाना है। गतिविधियों के अंतर्गत हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर का है, मीठी वाणी कैसा गुण है। यहाँ इस गद्यांश में हम आंसर देखेंगे, मीठी वाणी मनुष्य का वह गुण है जिससे वह परायों को भी अपना बना लेता है, अपने आसपास के वातावरण को सहज और खुशनुमा बना देता है। खा नंबर, मीठी वाणी को वशीकरण मंत्र क्यों कहा है। उत्तर यहाँ देखिए, मीठी वाणी को वशीकरण मंत्र मीठी वाणी वह वशीकरण मंत्र है जिससे मनुष्य दूसरों को अपने वश में कर लेता है या दूसरों के वश में हो जाता है। गा नंबर, मीठी वाणी बोलने के क्या लाभ हैं। यहाँ उत्तर देखिए, मीठी वाणी बोलने वाला व्यक्ति सदैव सम्मान और सफलता प्राप्त करता है, वह स्वयं भी सुखी होता है, दूसरों को भी शांति और आनंद देता है। तो बच्चों, आशा है आप समझ गए होंगे। इसी के साथ हमारा यह दूसरा अध्याय यही समाप्त होता है। धन्यवाद।